गुरुग्राम से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे का प्रदर्शन किया है, तो गुरुग्राम से बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और इस खबर के संबंध में लगातार तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है, तो प्रदर्शन कर रोडवेज के जीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो लगातार रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर समझौते का वादा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया। यूनियन की मांगों पर परिवहन मंत्री के साथ ये फैसला हुआ था। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने में एक बार बैठक करने का वादा भी किया गया था, लेकिन सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अभी तक एक बार भी बैठक नहीं हो सकी है, अधिकारी बैठक करने का समय नहीं दे रहे हैं। ये बात जो तमाम बातें हैं ये कर्मचारियों द्वारा की जा रही है और मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है और कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए लगातार रोडवेज के कर्मचारी प्रदेश में आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, इन कर्मचारियों की मांगे क्या क्या हैं और फिलहाल प्रशासन का और जीएम का रवैया क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछले अगर हम 5 सालों का जिक्र करें तो 5 सालों में कई बार टकराव की स्थिति देखने को मिली थी रोडवेज वर्कर्स यूनियन और प्रबंधन के बीच में, यानी सरकार के बीच में। उसके बाद एक पिछले साल 2020 में एक बैठक हुई थी जब हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी के साथ जितने भी वर्कर्स यूनियन है उन सबकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में फैसला दिया गया था कि प्रत्येक 3 महीने पे एक बैठक की जाएगी जिसमें परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी शामिल होंगे, प्रदेश सरकार का नुमाइंदा शामिल होगा और सभी वर्कर्स यूनियन के लोग शामिल होंगे, जिसमें जो भी इनकी समस्याएं हैं 3 महीने में जो भी कुछ सामने निकल कर आएगी उन सबका निराकरण किया जाएगा। उस वक्त भी इन्होंने कई मांगे रखी थी जिसमें नई रोडवेज बस की बात हो या फिर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी ड्यूटी 16 घंटे तक हो जाती है जबकि 8 घंटे की बात होती है, तो ऐसी प्रमुख कई मांगे थी और उन सभी मांगों को लेकर यह बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि इनका आरोप है कि अभी तक जो वायदा किया था उन्होंने कि 3 महीने में बैठक होगी वो बैठक अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आज पूरे हरियाणा में ऑल हरियाणा वर्कर्स यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। रोडवेज के जीएम को एक ज्ञापन दिया है, उसमें यह मांग किया है कि जो वायदा किया गया था वह वायदा सरकार पूरा करे। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो प्रदर्शन कर रोडवेज के जीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश की गई है कि जो हमारे बीच में समझौता हुआ था उस पर विचार किया जाना चाहिए। ये वादा किया गया था कि हर 3 महीने में बैठक होगी जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा खिलाफी की है और सरकार इन मांगों पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है, सरकार रोडवेज विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, तो अधिकारी बैठक करने का समय नहीं दे रहे हैं, हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए जबकि वो भी नहीं हो पा रही है। तो गुरुग्राम से बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे का प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से चेताने की और समझाने की कोशिश की है कि रोडवेज विभाग को संभालना बेहद जरूरी है और मांगों पर विचार करना बेहद